कोरोना की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। सैकड़ों लोग रोज पॉजिटिव आ रहे हैं और ऐसे में लोगों को सुविधाओं और इलाज की चिंता भी अंदर ही अंदर से सता रही है। लोगों को राहत देने एवं लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनकी संतुष्टि के लिए कौन कौन से प्रबंध जिला पठानकोट के जिला प्रशासन की ओर से विशेषकर अमित विज के नेतृत्व में किए गए हैं उन पर एक चर्चा की फास्टवे के जितेंद्र शर्मा ने और साथ ही द व्हाइट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के चेयरमैन स्वरण सिंह सरारिया से भी इन प्रबंधों पर बड़ी चर्चा की अनिल खुराना ने। चलिए सुनते हैं विधायक अमित विज के माध्यम से। जिस तरह से जिले के हालात कोरोना से नाजुक हो रहे हैं ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन व इस शहर के सर्वसर्वा विधायक अमित विज की चिंताएं भी बढ़ रही हैं, जिसके चलते उनकी ओर से हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है ताकि लोगों को तनाव में ना रहना पड़े और लोग सुरक्षित भी रहें। सबसे पहले बात करते हैं अब तक के कोरोना मरीजों की स्थिति के बारे में, जो कि सिविल अस्पताल की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार 8 मई तक जिले में अब तक 12,495 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 9,770 मरीज ठीक होकर घर को गए हैं, जबकि 264 लोगों की दुर्भाग्यवश मौत हो चुकी है। इनमें से केवल 8 मई की ही अगर बात करें तो इस दिन 464 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 10 मरीजों की मौत हुई है और 264 मरीज ठीक होकर घर को गए हैं। अब बात करते हैं उन समस्त प्रबंधों की जो विधायक अमित विज के नेतृत्व में किए गए हैं या फिर किए जा रहे हैं। इन सारे प्रबंधों पर चर्चा की है विधायक अमित विज ने फास्टवे के एमडी जितेंद्र शर्मा के साथ, जो कि टेलीफोनिक टॉक है जिसका विस्तृत रूप हम आपके सामने लाएंगे, आप सुनेंगे भी और आपको अच्छा भी लगेगा, राहत भी महसूस होगी। अमित जी नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ जी, फास्टवे न्यूज तो जी। जी जितेंद्र जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं तुहानू पुछना चाहता सी भी जिदा कोविड दे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे ने जी, तुसी वेख्या होना भी पहले 50 सी 100 सी, कल ते लगभग 500 दे लागे शागे केसेस आए ने जी। जी ऑक्सीजन दी बड़ी कमी हो रही है हॉस्पिटल्स च, तुहानू पता ही है सिलेंडर दी शॉर्टेज है, बहुत कमी है और मरीजां नू बेड नहीं मिल रहे। सारे हॉस्पिटल पूरी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, हाँ जिस तरीके केसेस वध रहे ने और ऑक्सीजन की डिमांड जरूर वध रही है, क्योंकि असी 30% के करीब हिमाचल के पेशेंट्स भी देख रहे हैं। तो मेरी कल डीसी कांगड़ा नाल भी गल हुई है, साडे डीसी साहब दे पठानकोट दे बैचमेट ने, उन्होंने भी मैं कहा कि थोड़ा सानू ऑक्सीजन दी प्रोविजनिंग होर करा के दो, साडा फर्ज बनता है कि असी आस पास दोनों नेबरिंग स्टेट्स आ एक दूजे की जिनी मदद कर सके असी करिए। ऑक्सीजन की जिहड़ी गल है उहदे वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स भी दे रहे ने, मैं चीफ सैकटरी हैल्थ मिनिस्टर हैल्थ सैकटरी नूं रिक्वेस्ट किया है कि नैक्सट प्लांट जो भी एलोकेट हुंदा साडे पठानकोट नूं दिता जाए सिविल हॉस्पिटल से, साडे कोल जगह हैगी है उत्थे असीं ऑक्सीजन प्लांट कर सकते हैं। अज मेरी एसडीएम साहब नाल ते डीसी साहब नाल भी गल हुई है, साडे 4-5 बहुत वड्डे हॉस्पिटल ने जिन्हां कोल इनफ फैसिलिटीज है और वो अपना जिस तरह अमनदीप है उन्होंने 50 सिलेंडर का अपना इनहाउस प्लांट है, उहदे विच मैं डीसी साहब ते एसडीएम साहब नूं रिक्वेस्ट कीती है कि इन्हां नाल मीटिंग करके इन्हां नूं रिक्वेस्ट करो इन्हां कोलों इन्हां दी कैपेसिटी एनहांस कराओ, चाहे 50-50 सिलेंडर ही एनहांस करन, क्योंकि सरबत नाल भी नहीं जुड़े थे टोटली जिहड़े गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब रेट्स ने अपने ओह रेट्स लै रहे ने, इन्हां दी भी जिम्मेवारी बनती है कि फ्यूचर नूं देखते हुए भगवान करे सब ठीक हो जाए पर फ्यूचर नूं देखते हुए अपनी ऑक्सीजन दी कैपेसिटी ए भी वधान। उन्हां दी गल बैड्स ते जी, बैड साडे कोल जो सारे असीं हॉस्पिटल्स देख लीए 1159 पैसे नहीं दे सकते उन्होंने मदद करिए ताकि बिना पैसे को उन्होंने इलाज हो जाए और विच दो तरीके है, एक सिविल हॉस्पिटल 65 बेड्स मिलिट्री हॉस्पिटल 25 बेड्स उत्थे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जेडे बंदे होम आइसोलेशन च हजे भी 1800 लोग दे करीब होम आइसोलेशन है उन्होंने असीं मिशन फतेह किट्स भेज रहे हैं ताकि घर ही उन्हों का इलाज हो सके। इस तो अलावा जेडे 20 प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने 10 हॉस्पिटल साडे ऑलरेडी सरबत सेहत बीमा योजना नाल जुड़े पे ने, जिन्हां का सरबत सेहत बीमा योजना का कार्ड है उस हॉस्पिटल च उन्हों का भी ट्रीटमेंट
फ्री है, मगर और असी प्रिकॉशन लेंदे हुए ताकि सानू कोई प्रॉब्लम ना आए। पिछली बारी असी चिंतपूर्णी बेड चलाया सी अपना लेवल टू हॉस्पिटल। मैं थैंक्स करना सीएम साहब दा, हेल्थ मिनिस्टर साहब दा, हेल्थ सेक्रेटरी साहब दा, व्हाइट मेडिकल कॉलेज दी मैनेजमेंट दा, सलारिया साहब दा। असी 300 बेड अज सानू अप्रूवल मिल जाना, जो मेरा सवेरे हेल्थ मिनिस्टर ते हेल्थ सेक्रेटरी नाल ते सुरन सलारिया जी नाल गल हुई है। अज मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि आफ्टरनून तक जो मेनू हेल्थ सेक्रेटरी साहब ते मिनिस्टर साहब ने श्योर किया सानू 300 बेड दा अप्रूवल मिल रहा है। ते असी व्हाइट मेडिकल कॉलेज जेड़ा चिंतपुरनी है उथे असी लैन लगे 300 बेड, ताकि असी अपने जेड़े नीडी लोग ने उन्हां दा पूरी तरीके नाल उन्हां दा रख रखाव रख सकीए। प्लस एक मेडिसिन चाहिए हुंदी है मॉडरेट पेशेंट्स वास्ते रेमडेसिविर, ओह भी सानू काफी डिमांड आंदी है। रेगुलर अलॉटमेंट हो रही है इस मेडिसिन दी, ताकि इस मेडिसिन नाल भी जेड़ी लोग बच सकदे ने असी उन्हां नू बचा रहे हां। साडे सिविल हॉस्पिटल ते लैके प्राइवेट हॉस्पिटल जिथे रिक्वायरमेंट आंदी है उथे असी इह दे रहे हां। सेकेंडली अज मैं एक SDM साहब ते DC साहब नू रिक्वेस्ट कीता, मेनू कई जगह तो इनफॉरमेशन आई सी कि कई जगह प्राइवेट हॉस्पिटल, ए मेरी अर्ज भी है प्राइवेट हॉस्पिटल नू ते लोकां नू भी, कई जगह लोग जिथे ऑक्सीजन दी रिक्वायरमेंट नहीं भी हैगी उथे भी बेड ऑक्यूपाई करके बैठे देने, ते जेडे ठीक हो गए देने ओ भी प्राइवेट हॉस्पिटल उन्हां नू अननेसेसरी कई जगह बेड दे के बैठे देने। एक एक सिलेंडर ओनू मिलना चाहिए जिन्हू लोड है। जी, जी, मैं सारे नु अभी रिक्वेस्ट करांगा काइंडली प्लीज जे तुहानू ऑक्सीजन दी लोड नहीं प्लीज बेड ओनू खाली करो, अपने घर च प्लीज जाके अपना इलाज करो, ते जिन्नू लोड है ओनू असीं ऑक्सीजन दे सकीए। MLA साहब जिदा तुसी कह रहे हो कि व्हाइट मेडिकल कॉलेज नाल तुहाडा 300 बेड दा करार ऑलमोस्ट हो ही गया। हो गया ते फिर काफी सहूलत पठानकोट दे बंदियां नू मिल जाएगी बाहर जाके। असी यह सारा काम किता पीक नू देखदे हुए जी, ताकि जे पीक आ जाए सर, क्योंकि साडे लोग ठीक हो रहे ने जितेंद्र जी, तुसी देखो डेथ अनफॉर्चुनेटली बहुत हो रही है। मैं कल डेथ 10 डेथ हुई है, ओहदे विचों 2 70 ईयर्स अबव ने, बाकी सारे 60 ईयर्स तो थले ने, और एक लड़की 25 साल दी भी हैगी है जी। मैं सारे नू यही रिक्वेस्ट करांगा कि मैक्सिमम लोग ठीक हो रहे ने, मगर 10 डेथ्स होनिया एक दिन च, 6 डेथ्स होनिया वो भी यंगस्टर्स दिया, वो किते असी गलत आ जी। वो गलती जो असी पकड़ी है जी, वो पकड़ी है कि असी टाइमली टेस्ट नहीं करा रहे जी। ए प्लीज मैं सारे नू एको रिक्वेस्ट करांगा कि पहले 6 दिन जो वायरस बॉडी च आंदा, पहले 6 दिन च टेस्ट करा के ओदी इमीडिएट कोविड दी दवाई शुरू करना बहुत जरूरी है। 6 दिन जे असी अपना फर्स्ट टाइम जे कोई सानू सिम्पटम आंदा है, असी ओनू बुखार समझ के टाइफाइड समझ के जे घर बह जाने हां, 6 दिन ते बाद असी देख रहे हैं कि जेडी सेकंड वेव आई है ए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 6 दिन तो बाद जे बाई चांस किसे दी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है, जे उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, अपना टाइमली प्रिकॉशन नहीं ली, उन्होंने सीधी सैचुरेशन 85 तो 80 जा रही है जी, ते फिर वो कुछ सीधा वो हाई फ्लो ऑक्सीजन ते चले जाते ने किते किते, ते लंग्स असी भी देख रहे हैं कि साइकोटीन मॉलिक्यूल्स का ब्लास्ट हो रहा है, उदे नाल आदमी सीधा फिर वेंटिलेटर ते चला जांदा है जी। 2 रेयर केस ने मगर हो रहे ने, लोगों नू यही रिक्वेस्ट करांगा जी, इट्स अ नॉर्मल फ्लू, घर बैठ के सारे ठीक हो सकते ने। मेरी फैमिली भी टचवुड सारी घर बैठ के ठीक हुई है, मैं सिर्फ 3 दिन वास्ते हॉस्पिटलाइज होया सी, ऑलमोस्ट मेरे फैमिली परिवार के सारे नू हो चुके है, सिर्फ असी टाइमली टेस्ट कराए सी। मैं सारे नू हाथ जोड़ के विनती करना एक टाइमली प्लीज टेस्ट कराओ, जे टाइमली टेस्ट कराएंगे तो सानू हॉस्पिटल जाने की लोड़ ही नहीं पैनी। सेकंडली करो उदो ही निकलो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, प्राइवेट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल च लोगों नू रिक्वेस्ट करो कि प्लीज नॉर्मल दवाई लैन वास्ते बिल्कुल ना जाओ जी। मैं एक होर तुहानू दसना चाहना कि साडा जेड़ा वैक्सीनेशन कैंप सिविल हॉस्पिटल च सी, ओह DC साहब ने कल मीटिंग लई, उन्होंने असीं रिक्वेस्ट किया सी ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਾਸਪਿਟਲ ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 7 ਲੋਕ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟਿਡ ਹੈ, 7 ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਮਝਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
जी मगर सारे नू अपना ध्यान रखना पेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे नू जी सारे नाल जी कि प्लीज जे कोई पेशेंट एडमिटेड है ताडे परिवार दे हॉस्पिटल च, प्लीज तुसी हॉस्पिटल च ना रहो, अपने आप नू ना एक्सपोज करो। एक पॉजिटिव है, बाकी परिवार जे ठीक रहेगा तो किसी का ध्यान रख पाएगा ना जितेंद्र जी? बिल्कुल, सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे तो ध्यान कौन रखेगा फिर? बिल्कुल, मेरी सारे नू इको रिक्वेस्ट है कि प्लीज जे कोई पॉजिटिव आंदा पहली गल पैनिक ना हो, टाइमली टेस्ट कराओ, पैनिक ना हो, नॉर्मल ट्रीटमेंट करो। जे कोई हॉस्पिटल एडमिट भी हो जाता, मैं तुहानू डेटा कल दा देना, 263 पेशेंट डिस्चार्ज होए ने जी, ठीक होए ने जी, और डिस्चार्ज इन द सेंस वो डिक्लेयर हो गए ने, ठीक हो गए ने, ते मैक्सिमम होम आइसोलेशन वाले ठीक होए ने। ठीक है, ते जेडे हॉस्पिटल जा रहे ने उन्हां नू टाइम लग रहा है बस, जेडे पैनिक नहीं हो रहे टाइमली टेस्ट करा रहे ने इमीडिएटली ठीक हो रहे ने। ठीक है, तुसीं भी प्लीज लोकां नू समझाओ जी। ठीक है जी, एमएलए साहब जिद्दां तुसीं प्रयास कर रहे हो और जिदा पुराने कोविड टाइम तो तुसी लगे हुए हो, दिन रात लोका ना टच रहे हो, तुसी लोका नू अपडेट भी करते रहे हो और तुसी बहुत मेहनत की थी एमएलए साहब। असी मैं फास्ट वे वालों प्रॉमिस करना भी असी कंधे ना कंधा मिला के चलांगे। साथ ही इस दिशा में सबसे अधिक अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो वो है द व्हाइट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, जिन्होंने पिछली बार भी 500 बेडेड की सुविधा सरकारी आदेश पर लोगों के लिए मुहैया करवाई थी और अब भी 300 बेड की सुविधा सरकारी आदेश पर दी गई है, जिसके लिए चेयरमैन स्वरण सिंह सलारिया ने फास्टवे के माध्यम से एमडी अनिल खुराना से टेलीफोन पर बात की और अपनी ओर से उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे सरकार के साथ हैं। सलारिया साहब, अनिल खुराना बोल रहा हूँ फास्टवे न्यूज पठानकोट से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलारिया साहब एक बात बताइए कि अभी मेरी विधायक पठानकोट अमित विज जी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि एक एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं कोविड को देखते हुए, कोविड की पोजीशन को देखते हुए एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है आपके हॉस्पिटल के साथ, आपके साथ, कि 300 बेड जो है पंजाब गवर्नमेंट आपसे जो उनके रेट्स हैं उनके ऊपर आपसे वो लेगी। मतलब कब तक ये शुरू हो जाएगा और कब तक आप जो आपका हॉस्पिटल है व्हाइट मेडिकल कॉलेज जो कि एक हमारे इस एरिया का एक शान है, उसको कब तक हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट सिरे चढ़ जाएगा जिसको हम पंजाबी में बोले तो? अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी सानू कॉल करके पूछा है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मेनू ऑनरेबल मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बलबीर जी का फोन आया सीगा सवेरे, दो बार उन्होंने गल हुई जी, मेनू साडे एमएलए अमित जी पठानकोट तो दो तीन बार उन्होंने गल हुई, डीसी साहब का कॉल आया जी। ये सच है कि 300 बेड साडे नाल एग्रीमेंट करने वाले, अज होएगा कल होएगा, लेकिन असी लोकल लेवल से मैं तो इन्नी अश्योरेंस देना कि गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस इस मैटर के बारे च और मैं भी गवर्नमेंट के नाल हैगा, क्योंकि ये एक इदा का हॉस्पिटल है जिथे 550-700 बैड असी लोकल नू दे सकने हैं और गवर्नमेंट नू असी 300 शुरू च दे रहे हैं और जो जरूरत पई तो होर 200 देंगे, क्योंकि 150 बैड असी अज साइन कर रहे हैं हिमाचल गवर्नमेंट के नाल। ओके, ये सारा बिल्कुल सच है और मेरा ख्याल है अज का कल एग्रीमेंट हो जाए तो थानू मैं पूरी जी बाकी की टर्म एंड कंडीशन वो सारिया थानू मैं कल दस दूंगा। सलाहिया साहब एक गल दसो कि जे तुसी ये एग्रीमेंट साइन करदे हो हिमाचल और पंजाब नाल, जे तुहाडे कोल बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ऑक्सीजन की गल करिए जिसकी शॉर्टेज है, या दवाइया की गल करिए, या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की गल करिए, उदे बारे च कुछ दसोगे? देखो जी, मेरा मेरे पास जिन्ने कर मैं बंदे दे रहा जी, वो जिन्ने कर बैठ दे रहा हूँ सारी अरेंजमेंट मेरे को हैगी है, साड़ी फार्मेसी अपनी हैगी है, साड़ी मेडिकल सुविधा अपनी ने, डॉक्टर अपने ने, सारे बड़ी एक्सपर्ट टीम है और जितों तक ऑक्सीजन का सवाल है वो हिमाचल गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रोमिस किया जो उन्होंने बंदे आएंगे उन्होंने पूरी ऑक्सीजन की जिम्मेवारी उन्होंने है, पंजाब गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी ली है कि सारी ऑक्सीजन सप्लाई करने की उन्होंने जिम्मेवारी है। ओके, जो गवर्नमेंट थोड़े नाल हो कोई प्रॉब्लम मैनू कि नजर नहीं आती। हाँ, इन्ना जरूर है कि सानू बहुत ईजी हो जाएगा पेशेंट की सेवा करना ठीक करके, ताकि व्हाइट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की तुम्हें गारंटी देना, असं एक खोल के बैठे हैं सिर्फ सेवा के भाव वास्ते, असं लोगों की सेवा करेंगे, लोगों को ठीक करेंगे ताकि ये जी महामारी है हमने कोरोना ये तो दुनिया बाहर निकले। और मैं थोड़े माध्यम तो लोगों भी कहना चाहूँगा कि ये अगर गवर्नमेंट ये लै रही है तो तुम सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज से आ जाओ, उन्होंने कोई इतने मेडिकल ऑफिसर बैठा होगा जो रिक्रूट करेगा और तुम्हें अंदर एडमिशन कर लेगा और मेडिसिन देगा, लेकिन घबराने की गल नहीं है, अपना ध्यान रखो। जिहड़ा साडे प्रधानमंत्री जी ने भी तुहानू कहा कि
ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਧੋ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੇਰੇ ਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ? ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਵਾਲ ਅਨਿਲ ਵਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਯੰਗ ਸਾਰੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ 173 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੋ। ਓਨਲੀ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਨਾਟ ਏ ਡਾਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਰਿਕਰੂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 250-300 ਪੈਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਥੋੜੇ ਭਰ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਆਪਣਾ ਨਿਆ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਮੀਨੇਟ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। जो भी प्रबंध जिला प्रशासन की ओर से, विशेषकर विधायक अमित विज की ओर से पठानकोट के लिए किए गए हैं, वे उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और जिस तरह से वो पल पल लोगों का ख्याल रख रहे हैं, इसके लिए फास्टवे की ओर से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं कि वो उसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें और लोग उनकी सेवा का लाभ उठाते रहें। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।